रूस अगले महीने भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तीसरी यूनिट की सप्लाई शुरू कर देगा। दोनों देशों के बीच करीब 35,000 करोड़ रुपए में 5 एयर डिफेंस सिस्टम का सौदा हुआ है। जाहिर सी बात है, रक्षा बेड़े में इस रूसी सिस्टम के शामिल हो जाने से हमारी सैन्य क्षमता को और ज्यादा मजबूती मिलने जा रही है। S-400 ट्रिम इस रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से पूरी दुनिया थर्राती है। ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम अब भारतीय सेना की ताकत है। इसी ताकत में इजाफा करते गुड न्यूज ये है कि जनवरी फरवरी से रूस भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के तीसरे स्क्वाड्रन की सप्लाई शुरू कर देगा। सूत्रों की माने तो यूक्रेन के साथ तनातनी का S-400 की डिलीवरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल भारत ने 3 साल में रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल के 5 स्क्वाड्रन हासिल करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील की है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पहली 2 स्क्वाड्रन को उत्तरी और पूर्वी इलाकों में तैनात किया जा चुका है और इनसे अभ्यास भी किया जा रहा है और अब S-400 की तीसरी खेप भारतीय रक्षा बेड़े में दस्तक देने जा रही है। ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम शातिर दुश्मन के नापाक मंसूबों को मिट्टी में मिलाने की कुव्वत रखता है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमान को तबाह कर सकता है। ये दुश्मन के फाइटर जेट्स, मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर के हमले को रोकने में कारगर है। ये रक्षा प्रणाली 4 अलग-अलग मिसाइल से लैस है। ये मिसाइल जमीन से 100 फीट ऊपर उड़ रहे खतरे की पहचान कर उसे हवा में ही नष्ट कर सकता है। इसी वजह से S-400 को भारतीय वायुसेना का गेम चेंजर माना जाता है, जिसने पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना के एयर डिफेंस रक्षा प्रणाली को मजबूत किया है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल की तैनाती की योजना कुछ इस तरह से की गई है कि इससे चीन के साथ ही उत्तर से लेकर पूर्व तक का पूरा क्षेत्र कवर किया जा सके। इस प्रणाली को रूसी हवाई और समुद्री मार्ग से भारत तक पहुंचाया जा रहा है। माना जा रहा है कि S-400 की सभी यूनिट 2023 के मध्य से काम करना शुरू कर देंगी और सीमाओं पर भारत के रक्षा कवच को और मजबूत करेंगी। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।